ये बड़ातेलपा अड्डा नंबर एक का बालू घाट है, बालू बंद है हम सब जानते हैं, लेकिन यहीं से हर रोज बालू का ट्रेलर निकलता है और इसी रास्ते से संकरी गली होते हुए शहर में प्रवेश करता है और गांव-गांव तक बालू पहुंचता है। अब यहां के खतरों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां से बालू निकलता है और यहीं पे बगल में दो छोटे बच्चों का स्कूल है और आप बच्चे देख सकते हैं, यहां बच्चे इसी रोड पे रहते हैं और जो ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं उनकी उम्र जो है 15 या 16 साल ही होती है। ये तो दूसरा मामला हो गया कि 15-16 साल के जो बच्चे हैं वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब उनको लाइसेंस किसने निर्गत किया ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि बालू बंद है फिर भी यहाँ से ट्रैक्टर निकलता है। दो दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी, उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगा और आज फिर से वैसी घटना दोबारा घट सकती थी जिस रफ्तार से पुलिस वाले यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब बालू का ट्रैक्टर जो था निकल रहा था तो पुलिस वाले उससे रिश्वत ले रहे थे और उनका वीडियो बनाने का प्रयास कुछ लड़कों के द्वारा किया गया तो वो लोग काफ़ी तेज गति से यहाँ से भागे, जिससे बहुत सारे लोग जो के आसपास थे वो अपने घर में भाग गए तुरंत से, क्योंकि जो सड़क उनकी स्पीड थी वो बहुत ही तीव्र थी और शायद उसके चपेट में कोई आ सकता था। यहाँ एक दो आदमी हैं जो बताना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ था भैया। देखिए सर, अभी दो दिन पहले यहाँ पर छोटा बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था, वो उनका पापा जी ले जा रहे थे स्कूल। हाँ। तो उस समय माने कि क्या हुआ, माने कि ट्रैक्टर से गिर गया, ट्रैक्टर के सामने गिर गया, वो एक्सीडेंट होकर बच्ची मर गई, उसके पापा बच गए। वो कान में हेडफोन लगा कर चला रहा था। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र से यही जो 15-16-17 यही होता है। हाँ। किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा। हाँ। हम जानते हैं। हाँ। रहा बात कितना बड़ा घटना घटा था, आज ये लोग क्या कि सारा सब प्रशासन को मालूम है कि हाँ जी घटना यहाँ बड़ातेलपा में घटा हुआ है, आज वो गाड़ी लेकर चले आए हैं और आकर यहाँ पर वसूली करना शुरू कर दिए। अच्छा। इस क्रम में हम लोग पूछा गया तो इतना तेज में यहाँ से भागे हैं लोग, दो आदमी आज कुचलने से बच गया है। अच्छा। दो आदमी आज मर जाता, आज भी कुछ ना तो कुछ होता जरूर। आप दो आदमी को पकड़ भी लिए थे, दो पुलिस वाले? जी, उसको पकड़ के हम लोग रखे हुए थे, प्रशासन को बुलाए हैं, वो लोग हम लोग से बात विचार करके उनको छोड़ा कर लेते हैं। आश्वासन दिए हैं? आश्वासन यही दिया कि यहाँ पर हम देंगे 4 गार्ड देंगे, होम गार्ड देंगे, इस स्कूल में रहेगा लोग। अच्छा, हमेशा? हमेशा रहेगा लोग, इसको बनाया जाएगा, इसमें रहने लायक कुछ बनाया जाएगा, इसमें रखेंगे, किसी प्रकार का जो दिक्कत होगा तो हम लोग से आप बात कीजिएगा। अच्छा। हम उसके आगे हम कुछ कार्रवाई करेंगे। अभी तो गार्ड साहब और ये तो अभी आज आए हैं, ये तो आज बैठा कर गए हैं, क्या है ये तो हम इन लोगों के बारे में नहीं बता सकते कुछ, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमको मालूम नहीं है। वही लोग बैठा के गए? जी। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे तो पहले नंबर यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी चलता है, ट्रैक्टर इतना चलता है सर, इतना चलता है। बालू तो कहाँ बंद है? यहाँ पर बंद नहीं, बालू बंद रहता तो यहाँ पर हम लोग भगदड़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग तकलीफ झेलते हैं। यहाँ 3 बजे भोर से चलता है ट्रैक्टर, यहीं पे स्कूल भी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है, यहाँ पर आंगनबाड़ी है, सब छोटा बच्चा का सब चीज है, बारा किसी का नहीं, जो समझदार। ट्रैक्टर ये रोड इतना खराब था कि इसको हम लोग छठ में बना है, बच्चे ऊपर से आते थे इधर स्कूल में जाने के लिए। चलिए यही बात है। अब आपको उम्मीद है कि बंद हो जाएगा ट्रैक्टर? उम्मीद तो है सर, देखिए उम्मीद है ट्रैक्टर बंद हो या ना हो, लेकिन अच्छा, एक बच्ची मर गई उसके बाद बंद नहीं हुआ, तो अब कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद यही तो लगाए हुए हैं कि बंद हो जाए। उस टाइम कोई आया हुआ था जब बच्ची मरी थी? तो कोई प्रशासन का कोई आदमी आया? कोई नहीं आया। आप लोग केस करने गए थे? जी। क्या हुआ थाने में? कोई सुनाई नहीं, बोला कि इलेक्शन ड्यूटी में है, यहाँ है, वहाँ है। अच्छा। अब कल आइएगा तो कल क्या आ जाएंगे? चलिए, आप उम्मीद कर सकते हैं? जी, उम्मीद रखे हैं कि भाई 4 लोग यहाँ पे। जी, चलिए उम्मीद पे ही सारे लोग अभी हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे कर दिया गया है, बैठा दिया गया है। कहने का मतलब ये कि देखिए कब तक ये लोग बैठते हैं, कब तक इस बालू के खनन को रोक पाते हैं, कब तक यहाँ से जाने वाले ट्रैक्टरों को रोक पाते हैं। हम लोग सिर्फ उम्मीद पे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसा कोई दुर्घटना ना घटे। मैं ऋषभ छपरा, अपडेट के लिए कैमरे के पीछे अंबर मनी खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।